स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 7 का नेचुरल साइंस का मॉर्निंग शूट का पेपर हुआ था। तो जिन बच्चों ने मॉर्निंग शूट का पेपर दिया है वो अपने आंसर मैच कर लो। मैं शुरू के 12 क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहा हूँ, बाकी जो आंसर है ना उसकी अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरे पेपर की, ठीक है। तो जो इवनिंग शूट वाले बच्चे वो भी पेपर देख लो और प्रैक्टिस कर लो, और जो पेपर में आया ना इसके आसपास की चीजें अच्छे से करना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसने बोला है कि जो पैरासाइट होता है वो अपने न्यूट्रिशन कैसे गेट करता है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला जाता है फिर उसे भोजन गेट करता है, किसी जिंदा जीव के शरीर में घुस जाता है, जैसे जू हो गई, ठीक है, या कसकटा हो गया, अमरबेल हो गई। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, तो परजीवी का एग्जाम्पल है, या जू किसका एग्जाम्पल है, परजीवी का उल्टा पूछ सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था कि हाइटरोट्रोपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन के दो पौधे बताओ। तो जो हाइड्रोपिक यूज करते हैं मतलब जो दूसरों के ऊपर खाने पर निर्भर होते हैं ना उसे विषमपोषी कहते हैं। तो एक तो हो गया घटपर्णी हो गया, ठीक है, ये जैसे घटपर्णी जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और दूसरा आप बता दो कसकटा, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोट्रोप को यूज करते हैं। फिर तीसरा बोला कि ऑडोमीटर जो होता है वो स्पीड को मेजर करता है, गलत, फॉल्स आएगा। क्यों? ऑडोमीटर जो होता है जो पथमापी होता है दूरी मापता है, तो ये फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है वाहन द्वारा तय की गई दूरी गति गुणा में समय आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपसे कुछ उल्टा सीधा और कुछ पूछ ले, अगर आपसे स्पीड निकालने के लिए पूछ ले तो क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन में आप क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे। अगर आपसे टाइम पूछ लेगा तो आप क्या कर दोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसका उल्टा कर दोगे। फिर ये कह रहा है जो सुरक्षा युक्ति होती है वो कौन सी होती है, तो फ्यूज जो होते हैं वो सेफ्टी डिवाइस होती है। फिर ये कह रहा है कि सलाइवा जो है ना, सलाइवा वो क्या करता है, तो वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है, स्टार्च को शुगर में बदल देता है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि टर्मरिक होता है अगर वो लाल रंग का हो गया तो बेसिक होता है, बोलोगे ट्रू है। तो आपको टर्मरिक हो गया, फिनोलेफ्थिलीन हो गया, ठीक है, और लिटमस पेपर हो गया, सबके अच्छे से याद होना चाहिए कौन किसको कन्वर्ट करता है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। और जो स्क्रीन पर दिखा सकते हो उसे रियल इमेज कहते हैं, और जिसको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यहाँ पे रियल है ना इंग्लिश में, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको वास्तविक, और यहाँ पे स्टार्च को शुगर में बदलने को बोलेंगे, छठा क्वेश्चन है, यहाँ बोलेंगे मंड को शुगर में बदलता है। फिर उसके बाद पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश कहा जाता है, तो वास्तविक आ गया। फिर सूर्य के प्रकाश में कितने रंगों का संयोजन होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 कलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि लकड़ी जल जाएगी तो नई चीज बन जाएगी, वापस नहीं बन सकती लकड़ी, इसलिए ट्रू है। फिर ये कह रहा है कि नमक हमने पानी में घोल दिया तो कौन सा परिवर्तन है, देखो पानी में नमक घोलेंगे तो वो भौतिक माना जाएगा क्योंकि हम उसको वापस अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, उसे उबालेंगे तो नमक फिर से अलग हो जाएगा, भौतिक है। लेकिन जब किसी चीज का नया का निर्माण होगा ना तो उसे हम केमिकल बोलेंगे, जैसे पेड़ का जलना हो गया, ठीक है, दूध का दही बनना हो गया, वो केमिकल होता है, यहाँ पे फिजिकल आएगा, ठीक है, भौतिक आएगा। तो ये कह रहा है भौतिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ बनता है, असत्य, ये गलत है, भौतिक पदार्थ को नया पदार्थ नहीं बनाता, ठीक है, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना आपको मैं अलग से एक वीडियो दूंगा, उसमें सोल्व करके बता दूंगा। यहाँ पर अब बाकी क्वेश्चन देख सकते हो क्या क्या आए थे, और आप इसकी प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ पे दोलन गति आई है, ऑसिलेटरी मोशन आया, तो आप पीरियोडिक मोशन कर लो, बाकी के सारे मोशन आप इसमें अच्छे से कर लो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आया तो डिस्टेंस, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और चाल के मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये सारे जब आंसर की आएगी ना उसी में मैं आपको सारे दिखा दूंगा, ठीक है। ये शीशे से देखने पर कैसा दिखेगा ये आपको बना के दिखाना, ठीक है, शीशा में प्रैक्टिस कर लो कि कैसा बनेगा, ठीक है। आर ए आई एन रेन बन जाएगा ये, और इसका हम करेंगे तो क्या बनेगा, पी ई एन पेन बन जाएगा। ऐसे बना के दिखाना था हमें शीशे में, मतलब कॉपी में करके दिखाना था। यहाँ पे छाटना है कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। जब नई चीज का निर्माण होता है तो वो केमिकल है,
और कभी पुरानी चीज होती है मतलब वही रहती है तो वो फिजिकल होता, तो ये हमें इसमें देखना था। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैंने आपको ये पांचवा दिखा दिया, ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और अब आप बाकी के देखो और अपने पता लगाओ। जैसे इसमें आपको पता लगाना कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। जैसे ये वाला, जैसे इसमें पूरा खाना बन गया, तैयार हो गया पूरा, तो वापस कच्चा नहीं हो सकता, तो केमिकल चेंज है। ऐसे आपको पता लगाना, आपकी बुक में से दे रखे हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से करना। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आंसर क्या है ना आप देख लेना उसमें, और अच्छे से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, फिर ये आठवां है, फिर ये आपको इसको पढ़ना है, फिर इसको आंसर आपको करने हैं, या बाकी देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन इसमें आए इसके आसपास से इसकी प्रैक्टिस करना, और देखो आपको कितना अच्छे से आता है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिलेबस की वीडियो बना रखे। जैसे अगर आपको वीडियो ढूंढते ना तो सिलेबस भी ढूंढेंगे, तो क्लास सेवन्थ चैनल का नाम लिख दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो क्लास सेवन्थ SST या साइंस जो भी सब्जेक्ट है, फिर ASC स्टार्ट है, चैनल का नाम लिखोगे तो आराम से वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप फटाफट ये जल्दी से देख लो, फिर ये मैचिंग आएगी। जिस बच्चे ने अच्छे से कर रखा है ना ये चैप्टर, तो आराम से मैचिंग वो कर पाएगा। फिर यहाँ पर दोनों में से एक करना है, ये करो या ये वाला करो, तो इसमें गलत वर्ड लिखा है इसको ठीक करके लिखना है, ये जो वर्ड है ना इसको चेंज करके लिखना है आपको। तो देखो दोनों में से एक करना है, मैचिंग करो या ये वाला करो, ये आपके हाथ में, आपकी मर्जी है। फिर पैसेज आएगी, इसको पढ़ के आपको बताना है, ऐसे आप इंग्लिश में देख सकते हो। पैसेज है, ऐसेज भी आप तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर पढ़े हैं पुरानी क्लास के। ठीक है, तो आप ध्यान से करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से दिखा रहा हूँ, आप इसे पढ़ के प्रैक्टिस करो। ये 14 क्वेश्चन है, ये भी फिर पैसेज के बेस पर है, आपको इसके आंसर करके देंगे। जहाँ ऑप्शन है तो दोनों में से एक करना है, वो आप देख लेना। जैसे यहाँ पर बोला कि लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन कर रहे तो क्या, कौन सा चेंज होगा कौन सा नहीं होगा, जिसमें ऑप्शन दे रखा बोला आप ऑप्शन वाला कर लेना। भाई जो प्योर वाटर होता है ना वो न्यूट्रल होता है, 7 नंबर पे होता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतना ही था इस पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।